राठौर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई हो। कल ही आपको नया प्रभार मिला है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का और आज बीजेपी को जीत भी मिल गई। यू आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड बीजेपी इज ऑल्सो ग्रोइंग। देखिए पार्टी ग्रो करती है, हमारी रोल रहते हैं, अलग अलग रोल रहते हैं जी। तो आज का जो है नतीजा आया है राठौर साहब बीजेपी का, कर्नाटक से, साउथ इंडियन स्टेट है। लोग कहते थे कि बीजेपी तो उत्तर भारत की पार्टी है और दक्षिण भारत में मुश्किल रहेगा। इस नतीजे को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जी सुधीर जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने अभी कहा कि ये बहुत लोगों के जो भ्रम है उसको ये नष्ट करता है कि नॉर्थ इंडिया पार्टी है, कि ये तो अनसेक्युलर पार्टी है, इस तरह के जो भ्रम बना के रखे हुए हैं ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स के हथकंडे हैं जी। आज के युग के अंदर जहां बहुत सारी चैनल्स लोग जनता तक, जो सुनने वालों तक सही खबरें पहुंचा रही हैं, सोशल मीडिया है जहां पर आप किसी की आवाज़ को, किसी की ओपिनियन को आप रोक नहीं सकते, वहां पर प्रधानमंत्री जी का जो काम है, जो हमारी पार्टी का जो काम है हर राज्य के अंदर, वो लोगों तक पहुंच रहा है। और यही कारण है कि ये जो भ्रमित करने वाले जो प्रोपेगेंडा है ये नहीं चल रहे। तो जिस ऐसे प्रांतों में जहां पार्टी का बड़ा मतदार आधार नहीं था, वहां पर अब पार्टी पहुंच गई है। तो यकीनन इस नए भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो एक बार बदलने, एक चेंज की जो हमने बात करी थी कि हम बदलेंगे, जो जिस तरह से पुरानी राजनीति होती थी, जिस तरह से गवर्नेंस पहले होती थी, उसको बदल के रहेंगे, उस बदलाव की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। राठौर साहब, एक कहावत है, नेवर से नेवर कॉज यू नेवर नो, क्योंकि अभी जो टैली है वो 108 पर बीजेपी को बता रही है, कांग्रेस 72 है, जेडीएस अभी 40 है। अब ये दोनों भी मिल जाती हैं तो वो जादुई आंकड़ा छू सकती है। देखिए जो जनता का आधार है, जन आधार है, वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है और वो ये भी देख रहे हैं, और मतगणना अभी चल रही है, वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर केंद्र सरकार में पार्टी ने काम करा है, सरकार ने काम करा है, ये सब देखते हुए वहाँ पर मतदान हुआ है। उस मतदान को नहीं नकारा जा सकता। आप एक तरह से विश्वासघात करेंगे वहाँ के लोगों के साथ में अगर इस तरह का कुछ गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे यकीन है कि बहुत से पार्टीज़ वहाँ पर ऐसी हैं जो अभी भी वो उनका पॉलिटिकल कॉन्शियंस जिंदा है और वो लोगों को सर्विस करने के लिए वहाँ पर है। जिस तरह से हमारी पार्टी सेवा के लिए आई है, मुझे यकीन है कि दूसरी पार्टी भी इस तरह से सोचेंगी। और मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है, हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और हम सरकार बनाएंगे। अब बाकी डिस्कशन के लिए आप ये सब कर सकते हैं। जी जी जी, नहीं वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। और लेकिन राठौर साहब, आप तो इतना बाहर घूमते हैं, आपको याद होगा गुजरात चुनाव के बाद और कर्नाटक चुनाव से पहले, इस बीच दौरान जब बाहर जाते थे तो एक नया नैरेटिव सामने आता था और वो ये कहते थे लोग कि माहौल अभी ठीक नहीं है, थोड़ा मोदी जी के लिए माहौल थोड़ा ख़राब हो रहा है और चमक थोड़ी सी अब फीकी पड़ रही है और अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव में काफ़ी दिक्कत परेशानी आने वाली है। एक अलग एक नैरेटिव खड़ा हो गया था। कर्नाटक चुनाव में भी मुझे याद है जब इनिशियली जब लोग आते थे तो बताते थे कि कर्नाटक में स्थिति बीजेपी की अच्छी नहीं है, 70-80 बहुत ज़्यादा हुआ तो 85 सीटें जीत पाएगी। आपको लगता है कि ये कर्नाटक का ये जो नया नतीजा आया है इससे उस नैरेटिव को करेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी? हालांकि वो नैरेटिव है क्रीमी लेयर का ही, जो ऊपर के जो लोग हैं 2% वो इस नैरेटिव में विश्वास रखते हैं। चलिए सुधीर जी, आपने प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर भी दे दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस भारत के अंदर जो कई वर्ग हैं उसमें एक ऐसा भी वर्ग है जो पब्लिक ओपिनियन बनाता था आज तक, और आज तक का मतलब 2018 से नहीं है, शायद 2000 से पहले पब्लिक ओपिनियन बनाते थे। इनके पास सारे, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन इनके हाथ में काफ़ी सत्ता भी रहती थी,
इनके पास अधिकार नहीं होते थे, जिम्मेदारियां नहीं होती थी, लेकिन अधिकार होते थे। ये जो लोग हैं इनसे वो जो अधिकार इनके पास रहते थे वो काफ़ी छिन गए हैं, क्योंकि आज सही माने में हम गणतंत्र बने हैं, जनता के पास वो आधार है कि ये देश की सरकार किस दिशा में चलेगी। ये जो बदलाव है ये कईयों को कष्ट देता है और इस कारण से बार बार एक ओपिनियन बनता है। ये नैरेटिव से मुझे चिंता नहीं है, मैं आपको बतलाता हूँ अभी एक बार, क्योंकि आप दूसरी चैनल्स भी हैं, माफ कीजिएगा, बट नैरेटिव से कोई चिंता नहीं है। हमें अपना काम लगातार करते रहना है, उस काम को हमें जनता तक पहुँचाना जरूर है। वो इसलिए नहीं पहुँचाना कि वो हमें वोट दे, क्योंकि हमारे तो निर्णय काफ़ी ऐसे होते हैं जो वोट बैंक के लिए नहीं होते टिपिकली। और दूसरा, आपने पद्मश्री देने भी बंद कर दिए, ये भी एक दिक्कत है ना, हर योजना वहां तक पहुंचे। आपने इन लोगों को पद्मश्री देने भी बंद कर दिए, पहले पद्मश्री मिलते थे, पद्मभूषण मिलते थे, तो कम से कम अच्छे लोगों को जो मेहनत करते हैं, जो कभी लाइमलाइट में नहीं आते, ऐसे ऐसे कर्मयोगी लोगों को हम दे रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तौर पर आपको लगता है आपका अगला एक साल थोड़ा सा इजी रहेगा, आपको कुछ आसानी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, माहौल अब बनना शुरू हुआ है। देखिए, जैसे सुधीर जी मैंने कहा कि मेहनत तो बहुत है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कैबिनेट के अंदर मेहनत ही है जो हमारा जो मिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। एक कमिटमेंट के साथ आए हुए हैं, वो कमिटमेंट छोटे कार्यकर्ता से लेकर जो सबसे ऊंची पदवी पर जो कार्यकर्ता है, उन सबका एक ही कमिटमेंट है, इस भारत को मजबूत बनाना है। उसके लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो खून भी बहाना पड़ेगा, जो कई जगह हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राठौर साहब, थैंक यू।